तो जैसे हम लॉगिन करते हैं एंड इस वेब पेज पर आ जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास डिवाइस इंफॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पर मोबाइल डाटा कनेक्टेड है, कनेक्शन यहाँ पर 4G है एंड डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड यहाँ पर जो हमें बताई जा रही है। तो अभी जो मेरी डोंगल है वो यूसेज में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 0BS लिखा आ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल अमेज़न को ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्पीड है वो चलना स्टार्ट हो चुकी है। 300 KB/s पर जहाँ पर स्पीड है, डाउनलोड एंड अपलोड दोनों स्पीड यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद कुछ खास हमें यहाँ पर डिटेल नहीं मिलती। तो जैसे आप नीचे आते हो तो यहाँ पर स्टेटस आप देख सकते हो एंड नेक्स्ट हमारे पास वाईफाई 2.4 GHz को ये सपोर्ट करती है डिवाइस एंड स्टेटस ऑन है। जो भी हमारी डिवाइस का नेम है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है एंड जो पासवर्ड है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो उसके बाद सेकंड नंबर पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर आप जो अगेन जो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है हमारी डिवाइस की सेटिंग के बारे में, तो यहाँ पर आप वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कनेक्शन आप देख सकते हो मैनुअल पर सेट कर सकते हो, तो VA की यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ पर APN वगैरह सेटिंग आप चेंज कर सकते हो, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो उसको। एंड अगेन यहाँ पर हमारे पास सेटिंग आ जाती है नेटवर्क सेटिंग। तो इसके अलावा नेटवर्क सिलेक्शन में हमें ऑटो एंड मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, फेलियर लिखा आएगा, बट गाइस हमारा जो डोंगल है वो 4G पर शिफ्ट हो चुका है। तो उसके बाद वायरलेस सेटिंग आ जाती है, तो यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है वो हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो SSID है, जो हमारी डोंगल का नेम है वो आप चेंज कर सकते हो, अपने नाम पर अपनी डोंगल का नेम रख सकते हो या फिर कोई भी आपको नेम पसंद है वो रख सकते हो। तो यहाँ पर अपनी डोंगल का जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी मोड भी चेंज कर सकते हो, ओपन रखना चाहते हो या फिर ये वाली दो सेटिंग पर अपनी डोंगल को चलाना चाहते हो। तो उसके बाद यहाँ पर एक मैक्स स्टेशन नंबर लिखा आ रहा है 10 का, तो ये नंबर है कि आप कितने पर्सन को अपने डोंगल के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, 2, 3 या 4। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं तो आप यहाँ पर 4 नंबर को सिलेक्ट करके अप्लाई कर दो, तो उसके बाद सिर्फ 4 पर्सन ही आपकी डोंगल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सेटिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते आपके आस पड़ोस के लोग आपकी डोंगल के साथ कनेक्ट हो जाएं, तो यहाँ पर ये आप अपनी डोंगल की सेटिंग को चेंज कर सकते हो। उसके बाद 4 पर्सन को कनेक्ट कर देना, जो भी आपके घर में फैमिली मेम्बर होगा उसको कनेक्ट कर देना, 4 नंबर अगर फिल हो जाएंगे उसके बाद 5th पर्सन आपकी डोंगल के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडवांस सेटिंग, तो यहाँ पर भी कुछ हमें सेटिंग मिल जाती है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर नेटवर्क मोड का जो हमें ऑप्शन मिल जाता है इसको आप डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देना। एंड चैनल बैंडविड्थ मिल जाती है, एक 20 की मिलती है एंड 40 की मिलती है, तो आप दोनों को जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देना। कंट्री रीजन वही सेम है, चैनल आप चेंज कर सकते हो, तो ये भी मैं आपको कहूँगा कि इसको डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देना। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरनेट वाईफाई, तो इसको भी यहाँ पर कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास पावर सेविंग का एक ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर गाइज ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी एक सेटिंग है। तो गाइज जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट कवरेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप अपनी डोंगल को क्लोज रह के यूज़ करना चाहते हो, कि फॉर एग्जांपल आप एक रूम में बैठ के इसको यूज़ कर रहे हो एंड आप चाहते हो इसका जो नेटवर्क कवरेज एरिया है वो दूर तक ना जाए, एंड उससे क्या होगा अगर आप इसको शॉर्ट पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद जो आपकी बैटरी है डोंगल की वो ज़्यादा चलेगी, बैटरी सेव होगी। इसलिए यहाँ पर जो VA ने लिखा हुआ है पावर सेविंग मोड, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो दूर जाके यूज़ करना तो आप लॉन्ग पर ही इसको रहने देना। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आया था स्लीप मोड, तो यहाँ पर आप चाहते हो कि 10 मिनट के बाद जो आपकी डोंगल है स्लीप मोड पर चले जाए, तो यहाँ पर जो टाइमिंग है वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी बचेगी। तो यहाँ पर मैक फिल्टर है, तो जो भी नंबर आपने ब्लैक लिस्ट पर रखे होंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। WPS हमें मिल जाता है यहाँ पर ऑप्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास राउटर का ऑप्शन आ जाता है, इस पर भी हमें जो ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं, इसका IP एड्रेस मिल जाता है, तो इसको भी आप डिफ़ॉल्ट पर छोड़ देना। एंड नेक्स्ट हमारे पास आया था फीचर का, तो फीचर यहाँ पर कुछ खास नहीं है, जो पॉलिसी वगैरह है वो आप इसको छोड़ देना डिफ़ॉल्ट पर ही। पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड पोर्ट मैपिंग, तो ये भी हमारे इतने ज़्यादा खास काम के नहीं ऑप्शन। एंड नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा जरूरी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर SNTP ये खास नहीं है, एंड पिन मैनेजमेंट भी खास नहीं है, डिवाइस इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रैफिक का ऑप्शन आ जाता है,
तो कितना आपने यहाँ पर जो डाटा लिमिट यूज़ कर ली है वो यहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा। एंड आप इसको क्लियर भी कर सकते हो, यहाँ पर मैंने आउटगोइंग डाटा एंड इनकमिंग डाटा मतलब डाउनलोड एंड अपलोड कितना किया हुआ है वो यहाँ पर मुझे आज की डेट का जो डाटा है वो शो हो रहा है। तो टोटल यहाँ पर मैंने 150 MB यूज़ कर ली है, तो इसको मैं क्लियर भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सक्सेसफुली क्लियर हो चुका है। डाटा मैनेजमेंट में आपको खास कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिस्टम एडमिन का ऑप्शन आ जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इसके यूज़र नेम एंड पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आगे आप उसको चेंज कर सकते हो। आप ग्रेड का आपको ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपकी डोंगल पर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया है या नहीं। तो यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है अभी तक, तो इन फ्यूचर हो सकता है यहाँ पर अपडेट हमें देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर TR069 का ऑप्शन मिल जाता है, वो इतना खास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी एक ऑप्शन मिल जाता है बैंड लॉक का। तो जैसे आप बैंड लॉक करोगे आपकी डोंगल रीसेट हो जाएगी, तो डिसकनेक्ट हो जाएगी जिस भी डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी। तो यहाँ पर इस बात को आप माइंड में जरूर रखना। तो यहाँ पर मैं इसको डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देता हूँ। तो जैसे ही आप इसके बैंड लॉक करोगे तो ये डोंगल रीसेट होगी एंड रीसेट होने के बाद डिसकनेक्ट भी हो जाएगी जिस भी डिवाइस के साथ ये कनेक्ट होगी। तो बैंड लॉक के बाद यहाँ पर रीबूट एंड रीसेट करने का बटन मिल जाता है। तो सबसे पहले तीन ऑप्शन मिलेंगे हमें कि अगर आप अपनी डोंगल को बंद करके दोबारा से टर्न ऑन करना चाहते हो तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एंड सेकंड हमारे पास रीसेट का बटन आ जाता है जिससे आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो अपनी डोंगल को। एंड लास्ट अगर आप इसको टर्न ऑफ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास कोई खास सेटिंग नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ पर फ़ोन बुक आ जाता है। फ़ोन बुक पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सभी जो नंबर है वो मिल जाएंगे जो भी आपकी सिम कार्ड पर अवेलेबल होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास SMS का जो ऑप्शन है वो आ जाता है, क्योंकि मुझे काफ़ी जो सवाल है आते रहते हैं कि हम SMS कैसे देख सकते हैं, कैसे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके आप अपने जो सिम पर जो SMS आए होंगे वो चेक कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे डिवाइस पर कोई भी SMS नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी जो डिवाइस का SMS नहीं शो हो रहा। तो सिम पर देख लेते हैं हमें क्या क्या SMS आ चुके हैं। तो सिम पर भी यहाँ पर कोई भी जो मैसेज है वो नहीं आया हुआ। तो डिवाइस SMS पर अगेन जाएंगे, तो अगर आपने कोई SMS सेंड करना है तो न्यू पर क्लिक करके, तो यहाँ पर आप नंबर फिल कर सकते हो जिस नंबर पर आपने जो SMS सेंड करना है। तो नीचे SMS टाइप करके आप यहाँ पर सेंड पर क्लिक करके सेंड कर सकते हो। तो SMS की सेटिंग मिल जाती है जिसको आप डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देना। एंड लास्ट में हमें SD कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर कोई भी SD कार्ड नहीं लगा हुआ, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी SD कार्ड हमें शो नहीं हो रहा। एंड लास्ट में यहाँ पर FAQ मिल जाता है हमें रीड करने के लिए, वो आप रीड कर सकते हो। तो ऊपर हमें यहाँ पर बैटरी परसेंटेज मिल जाती है, कितने परसेंट आपकी डोंगल के साथ कनेक्ट है वो मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर वाईफाई टर्न ऑन है एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्टेटस दिखा रहा है, नेटवर्क कितना आ रहा है, सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है वो भी यहाँ पर शो हो रही है, VI का यहाँ पर 4G नेटवर्क यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये सभी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, हेल्प का मिल जाता है। तो यहाँ पर आप इस पेज को लॉग आउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि VI की डोंगल में हमें कौन कौन से फीचर मिलते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो जहाँ पुराने हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।